physics art team, Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in your physics. चलो अभी एक 2019 का क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 2019 का. टू ओपन पाइप्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड सेम डायमीटर इन व्हिच द एयर कॉलम वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज N1 एंड N2 N1 and N2 respectively. When both pipes are joined to form a single pipe, the fundamental frequency, its fundamental frequency will be. आपका ऑप्शन है ए N1 plus N2 by 2. नहीं, N1 plus N2 divided by N1 N2. बी ऑप्शन दिया N1 N2 divided by N1 divided by 2N1 2N1 plus, sorry, क्या हो रहा है मुझे, 2N2 plus N1. सी ऑप्शन दिया 2N2 plus N1 divided by N1 N2. And डी ऑप्शन इज N1 N2 divided by N1 plus N2. ठीक है, इजी है क्वेश्चन. दो ट्यूब्स है, डिफरेंट लेंथ है, सेम डायमीटर है, तो दो ट्यूब एंड दोनों ओपन एंडेड. तो इधर एक ओपन एंड ट्यूब है, अनदर वन इज ओपन एंड ट्यूब है. एक छोटा एक बड़ा कर देते हैं और इन दोनों को मिला के एक एक साथ ले लिया. तो इसका L1 पकड़ लो, इसका L2 पकड़ लो, एक L1 प्लस L2 बन गया. कैपिटल L ले लो, कैपिटल L इक्वल टू L1 प्लस L2, यही बात है. अच्छा, एयर वाइब्रेंस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर N1 एंड N2. इसके केस में N1, इसके केस में N2 इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसके केस में N पकड़ लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर ऐसा है तो N1 क्या लिखोगे? N1 इक्वल टू V by 2 L1. पता है, इधर से L1 ले लो, V by 2 N1, L1 प्लस L2 करना है ना. इधर से N2 लिखो, V by 2 L2, इधर से L2 ले लो, V by 2 N2. इसके लिए कैपिटल N इक्वल टू V by 2, कैपिटल L लिखो, लिख लिया. इधर से कैपिटल L इक्वल टू V by 2 कैपिटल N. आपको पूछा क्या है, इट्स फंडामेंटल, कैपिटल N क्या है वो पूछा है. बट हमें पता है L इक्वल टू L1 प्लस L2, L इक्वल टू L1 प्लस L2. डालो वैल्यू डालो. तो L के लिए लिखो V by 2 कैपिटल N इक्वल टू V by 2 N1 प्लस V by 2 N2. V चला गया, 2 चला गया, क्या रह गया, 1 अपन N इक्वल टू 1 अपन N1 प्लस 1 अपन N2. करेक्ट. इधर से तो इजीली हो जाएगा N1 N2 N1 N2 N1 प्लस N2. सो कैपिटल N विल बी N1 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. N1 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. डी ऑप्शन इजी था, इजी था, रियली रियली इजी था. आपने इतना दूर तक नहीं किया, अगर 12 में डायरेक्ट हिट कर रहे हो तो थोड़ा लगेगा ही कहां से आ रहा है, मैम ने तो समझाया ही नहीं. लेकिन आप थोड़ा सीरीज में सिस्टमेटिकली पढ़ के आ रहे हो तो ये तो आपको समझ में आ गया और काफी आसान था. ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ट्यूब आपको मिल गया, N1 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत है नहीं है. ये वाला चीज पता है, ये मैम पता है, फिर भी फंडामेंटल के लिए इधर नोट बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा. फंडामेंटल के लिए इधर नोट बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा. फंडामेंटल के लिए इधर नोट बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा. फंडामेंटल के लिए दैट इज व्हाई L1 होगा λ/2. दिस इज λ/4, दिस इज λ/4, λ/2. क्लियर? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Last 20 years of questions I have explained like this. If benefited, do watch.